हेलो फ्रेंड्स आइए आज हम समझते हैं व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटर कैम एंगल और ड्वेल एंगल टेस्टर डिस्ट्रीब्यूटर टेस्टर कैम एंगल या ड्वेल एंगल वाला क्या चीज़ है कैसे काम करता है और क्या उसका कंस्ट्रक्शन क्या उसका वर्किंग है और साथ ही में आज हम देखेंगे इंजन को आरपीएम टेस्टर से कैसे हम टेस्ट करके क्या चीज़ पता लगा सकते हैं तो आइए पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर कैम एंगल और डवेल एंगल टेस्टर द कैम एंगल और डवेल एंगल इज़ द नंबर ऑफ़ डिग्रीज ट्रेवल्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर कैम वाइल द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स आर क्लोज डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है अलग अलग स्पार्क प्लग्स को अलग अलग टाइम के हिसाब से करंट सप्लाई करना एट प्रॉपर वोल्टेज तो उसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर कैम होती है जो ये डिसाइड करती है जिससे हमारे को कौन कौन से स्पार्क प्लग को कब कब हमारे को करंट सप्लाई करना है ताकि उस पर्टिकुलर सिलेंडर में प्रॉपर इग्निशन हो सके तो डिस्ट्रीब्यूटर कैम का ये ड्वेल एंगल टेस्टर जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर कैम का एंगल मेजर करने के लिए यूज़ करा जाता है जिससे हमें ये पता लग जाता है कि क्या प्रॉपर टाइमिंग पे करंट सप्लाई किया जा रहा है या नहीं जिससे हमारा इंजन सही चल रहा है या उसमें कुछ कमी है तो हम डिस्ट्रीब्यूटर कैम को एंगल को टेस्ट करते हैं उस डिग्रीज़ को टेस्ट करते हैं कब कि जब वो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स आर क्लोज जब उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट क्लोज हों क्योंकि जब कॉन्टैक्ट पॉइंट्स उसके क्लोज होते हैं तो उसमें करंट बिल्डअप होता है और जब कॉन्टैक्ट पॉइंट खुलते हैं तो करंट सप्लाई टू दी स्पार्क प्लग होता है the cam angle can be measured directly with dual meter it is important to keep the correct dual angle because when the points are closed the coil is building up which will make available the proper amount of high tension current at spark plugs when, coin, when contact points are opened a four cylinder engine has about 41 degree डवेल एंगल वाइल सिक्स सिलेंडर हैव अबाउट थर्टी सिक्स एंड एट सिलेंडर हैव अबाउट थर्टी वन डिग्री डोल एंगल डोल एंगल हम किसे कह रहे हैं ये वो वाला एंगल है जब कॉन्टैक्ट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर के क्लोज रहेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर कैम कितना डिग्री ट्रेवल करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट वो एंगल को हम बोलते हैं डवेल एंगल और फोर सिलेंडर इंजन के लिए ये एंगल होता है फोर्टी वन डिग्री सिक्स सिलेंडर के लिए होता है थर्टी सिक्स डिग्री एट सिलेंडर के लिए होता है थर्टी वन डिग्री सो द कैम एंगल और द डवेल एंगल इज़ द नंबर ऑफ डिग्रीज दैट द ब्रेकर कैम रोटेट्स फ्रॉम द टाइम द पॉइंट क्लोजेस अंटिल दे ओपन अगेन सो द कैम एंगल और डवेल एंगल इज़ द नंबर ऑफ डिग्रीज डेट द ब्रेकर कैम रोटेट्स फ्राम द टाइम द पॉइंट क्लोजिज अंटिल दे ओपन अगेन एज द कैम एंगल इंक्रीजिज पॉइंट गैप डिक्रीज टू लिटल डवेल एंगल कॉजिज इंजन टू मिस फायर अगर डवेल एंगल कम रहेगा तो इंजन जो है मिस फायर करेगा यानी कि करंट सप्लाई सही से नहीं हुआ वायल टू मच ड्वेल एंगल अलाउ द पॉइंट टू बी क्लोज फॉर टू लॉन्ग कॉजिंग बर्नड कॉन्टैक्ट पॉइंट और अगर ड्वेल एंगल ज़्यादा हो गया यानी कि क्लोज पॉइंट जो डिस्ट्रीब्यूटर में है वो ज़्यादा टाइम तक क्लोज रह गए तो ड्यू टू हाई टेंशन करंट जो वहाँ पर बिल्डअप हो रहा है क्वाइल बिल्डअप हो रही है उसकी वजह से वो पॉइंट जो हैं बर्न कर सकते हैं तो आइए देखते हैं ये ड्वेल मीटर कैसा होता है ये कुछ इस तरह से होता है ये हम यहाँ पे डिग्रीज ऑफ ड्वेल होती हैं फॉर फोर सिलेंडर और सिक्स एंड एट सिलेंडर के लिए हमारे पास ये ऊपर है हमारे पास नीचे यहाँ पे नॉब्स रहते हैं जिससे हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा इंजन फोर सिलेंडर है या सिक्स या एट सिलेंडर है और इसी मीटर के ऊपर हमारे पास ऑप्शन रहता है आर मेजर करने के लिए भी तो आइए देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है इट कंसिस्ट ऑफ इंडिकेटर विच गिव रीडिंग ऑफ फोर सिक्स एट सिलेंडर इंजन द एवरेज फॉर ऑल सिलेंडर इज डिस्प्लेड इन डिग्री ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूटर कैम रोटेशन इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू सेट कॉन्टैक्ट पॉइंट गैप एंड टू चेक फॉर अनवेंटेड डेल वेरिएशन एज इंजन स्पीड इंक्रीजिज़ जैसे जैसे इंजन स्पीड इंक्रीज़ होगी तब भी हम उसके लिए चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा डवेल एंगल उसके हिसाब से सही आ रहा है या नहीं आ रहा है या हमें कॉन्टैक्ट पॉइंट कितनी देर के लिए बंद करने हैं तो उसको हम बाद में अगर वो मैनुफेक्चरिंग रीडिंग के साथ मैच नहीं करता तो हम जो है उसको ठीक या रिपेयर या मेंटेनेंस में भेज सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूटर कैम को या और भी उसके अगर कोई फॉल्ट आता है एक्सेसिव वेरिएशन इंडिकेट्स मकैनिकल वियर इन द डिस्ट्रीब्यूटर एंड इट नीड्स ओवर हॉलिंग वाइल मेकिंग द कनेक्शन इट शुड बी टेकन केयर दैट द टेस्ट विल बी एक्साइज इफ़ द सिस्टम हैज़ नेगेटिव अर्थ द अदर टेस्टर क्लिप शुड भी कनेक्टेड टू दी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर टर्मिनल्स तो इसकी वर्किंग क्या होती है सबसे पहले हम जो है पहला हमारा काम कनेक्शन बनाएंगे टेस्टर के साथ यानि कि डोल एंगल टेस्टर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो है हम उसका कनेक्शन सेटअप करेंगे फिर हम सिलेक्ट करेंगे कैम कौन सी है फ़ोर है सिलेंडर के लिए सिक्स के लिए या एट के लिए वैक्यूम पाइप को रिमूव करेंगे और उसका नॉब जब तक घुमाएंगे जब तक हमारे को एक क्लिक का साउंड नहीं सुनाई देता उसके बाद हम जो है इंजन को स्टार्ट कर देंगे इंजन को स्टार्ट करेंगे और उसको जब तक रन करेंगे जब तक वो इंजन अपने नॉर्मल हीट पोजीशन पे नहीं आ जाता उसके बाद हम कैम एंगल की रीडिंग्स को ऑब्ज़र्व करेंगे अगर फोर सिलेंडर के लिए है या एट के लिए है या सिक्स के लिए है अगर फोर के लिए है तो तो रीडिंग डायरेक्ट होगी अगर एट के लिए है तो रीडिंग को डिवाइड बाय टू करना पड़ेगा अगर टू सिलेंडर के लिए है तो रीडिंग को मल्टीप्लाई बाय टू करना पड़ेगा और अगर सिक्स सिलेंडर है तो एक कन्वर्जन टेबल आता है डिस्ट्रीब्यूटर ड्वेल एंगल टेस्टर के साथ जिससे हम उसकी रीडिंग को कन्वर्ट करके देख सकते हैं अब इन्हीं रीडिंग्स को करेंगे कंपेयर द रिजल्ट विद मैनुफेक्चर रेकमेंडेशन इफ नॉट सेम द पॉइंट गैप शुड बी इन करेक्ट द पॉइंट नॉट इन लाइन और द कैम डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट इज़ वॉर्न अगर वो रीडिंग प्रॉपर नहीं आ रही तो यानी कि यहाँ तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर कैम है वो घिस चुकी है वियर एंड टीयर हो चुका है या उसके जो पॉइंट हैं वो सही से बंद नहीं हो रहे पॉइंट्स में कुछ कार्बन आ गया है या कुछ गड़बड़ है एट टू थाउजेंड आर पी एम द रीडिंग शुड नॉट डेविएट फॉर मोर देन फोर डिग्रीज फ्रॉम रिकमेंडेड इफ वेरिएशन इज मोर देन डिस्ट्रीब्यूटर नीड्स ओवरहॉलिंग दिस एक्सेसिव वेरिएशन मे बी कॉज बाई डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट और बुश डैमेज पॉइंट्स होंगे या सी बी पॉइंट जोगा वो वॉर्न हो चुका होगा वियर एंड टीयर होगा एक्सेसिव वियर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर कॉजेज़ एबनॉर्मल वेरिएशन इन स्पार्क टाइमिंग एंड लॉस ऑफ इंजन परफॉर्मेंस अल्टीमेटली इंजन मिसफायर करेगा स्पार्क प्लग पर प्रॉपर करंट नहीं पहुँच पाएगा प्रॉपर टाइम पर करंट नहीं पहुँच पाएगा अगर डिस्ट्रीब्यूटर के में कोई प्रॉब्लम आएगी तो टू स्मॉल एंड एंगल कॉजेस पुअर स्पार्क टू ग्रेट एंड एंगल काजेस प्री मेचोर बर्निंग यानी कि कॉन्टैक्ट पॉइंट जो हैं वो बर्न हो जाएंगे अगर ड्वेल एंगल जो है ज़्यादा है यानी कि ज़्यादा देर के लिए कॉन्टेक्ट पॉइंट्स बंद रह रहे हैं और अगर जल्दी कॉन्टेक्ट पॉइंट्स खुल रहे हैं तो करंट प्रॉपर हाई टेंशन वोल्टेज जो एक स्पार्क के लिए चाहिए वो प्रॉपर नहीं बन पाएगी तो ये इस तरह से इसका ड्वेल का जो है डायग्राम है कि ड्वेल एंगल पॉइंट्स क्लोज्ड होंगे किसके अंदर थर्टी सिक्स डिग्री के अंदर और सिक्सटी डिग्री क्या चीज़ है डॉटेड लाइन्स इंडिकेट सिक्सटी डिग्री बिटवीन कैम लोब्स एलॉटेड फॉर फायरिंग ऑफ ईच सिलेंडर इन सिक्स सिलेंडर इंजन यानी कि सिक्सटी डिग्री उसका पूरा वर्किंग के लिए एंगल है जिसमें थर्टी सिक्स डिग्री जो है वो क्लोजिंग के लिए है जब हमारा कैम चले थर्टी सिक्स डिग्री क्लोजिंग के लिए यानी कॉन्टेक्ट पॉइंट उस समय में जो है क्लोज रहे, तो इस तरह का वो जो है हमारा कुछ टेस्टर का सिम्प्लीफाइड डायग्राम है जिसमें ये है पॉजिटिव लीड नेगेटिव लीड नॉब फॉर सेलेक्टिंग द स्केल यानी कि आरपीएम वाला चाहिए या डोल इन डिग्री चाहिए अगर डोल इन डिग्री चाहिए तो कौन सा वाला चाहिए फोर सिलेंडर सिक्स सिलेंडर या एट सिलेंडर तो ये उससे हम जो है मीटर से जो है चेक कर सकते हैं हमारा कि कितना एंगल आ रहा है तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ड्वेल एंगल टेस्टर या कैम एंगल टेस्टर फॉर डिस्ट्रीब्यूटर बोल बोलें तो डिस्ट्रीब्यूटर टेस्टर इसी डिस्ट्रीब्यूटर टेस्टर में हमारे पास एक ऑप्शन रहता है इंजन का आर मेजर करने के लिए यानी कि रोटेशंस पर मिनट इसी टेस्टर में हम जो है एक टैकोमीटर फिक्स कर देते हैं जो कि क्रैंक शाफ्ट के ऊपर हम इसको लगाएंगे टैकोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो रोटेशंस मेजर करता है कि कितने रोटेशंस पर मिनट हैं इसी इंस्ट्रूमेंट पे हम टैकोमीटर वाला जो है प्रोब लगाएंगे प्रोब बोले तो एक रॉड लगाएंगे जो कि क्रैंक शाफ्ट के के साथ टच करके हम जो है चेक करेंगे कि हमारे रोटेशंस पर मिनट कितने हैं इसको रोटेशंस पर मिनट को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है रोटेशंस पर मिनट को चेक करने के लिए हमारे को सबसे पहले पॉइंट लोकेट करना है कि यहाँ से क्रैंक शाफ्ट स्टार्ट हुई यानी कि फर्स्ट सिलेंडर को हमने पहले लेना है उसके पिस्टन को टीडीसी टॉप डेड सेंटर पे रखना है और वहाँ पे जो है हमने स्टार्ट करना है सबसे पहले सबसे पहले स्पार्क प्लग रिमूव कर देंगे फर्स्ट सिलेंडर का अगर माने चार सिलेंडर का इंजन है फर्स्ट सिलेंडर का स्पार्क प्लग रिमूव कर दिया ताकि वहाँ पे इग्निशन ना हो फिर हम क्रैंक शाफ्ट के ऊपर आरपीएम टेस्टर को माउंट करेंगे फिर वहाँ पे टॉप डेड सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे कि यहाँ से टॉप डेड सेंटर आ गया और फिर इंजन को चलाएंगे और फिर हम रोटेशंस पर मिनट कैलकुलेट करेंगे हमारे पास एक रीडिंग आ जाएगी जिसके अंदर सेकंड थर्ड फोर्थ सिलेंडर चल रहे हैं फर्स्ट सिलेंडर नहीं चल रहा फिर यही प्रोसीजर फर्स्ट पे स्पार्क प्लग लगा के सेकंड का रिमूव करके सेम प्रोसीजर करेंगे फिर इसी तरह से थर्ड वाले का करके फिर सेम प्रोसीजर करेंगे फिर फोर्थ वाले को रिमूव करके स्पार्क प्लग को फिर सेम तरीके से रीडिंग नोट करेंगे फिर हम ये देखेंगे कि हमारे को चारों बारी में जो आर टेस्टर के ऊपर रीडिंग आई क्या वो मैच कर रही है या नहीं अगर किसी पोजीशन पे से सेकंड वाले स्टेप पे सेकंड सिलेंडर के लिए वो रीडिंग सही नहीं आई इसका मतलब उसका पिस्टन जो है उसके पिस्टन रिंग्स घिस चुके हैं या अंदर कोई उसके प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है पिस्टन जल्दी फॉल कर रहा है और उसके आरपीएम इंजन के जो हैं सेकेंड सिलेंडर की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं सही नहीं आ रहे जो मैनुफेक्चर की रीडिंग के हिसाब से आने चाहिए तो हम उसके लिए फ़र्दर उसकी टेस्टिंग करके या उसको खोल के उसकी ओवरहॉलिंग करेंगे इंजन स्पीड कैन आल्सो बी चेक्ड बाय द सेम टेस्टर द आरपीएम ऑफ एन इंजन कैन बी चेक्ड एट मिनिमम एंड अदर स्पीड द टेक्कोमीटर इज़ फिटेड इन द डिस्ट्रीब्यूटर इट वर्क्स एज़ मेक द सेलेक्टर टू आर पी एम टेस्ट और सेलेक्ट टैकोमीटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सेट कंट्रोल ऑन द आर पी एम स्केल फिर चेक द पुली कैन बी सीन क्लियरली इफ नॉट पुट वाइट चॉक एट द पॉइंट ऑन द क्रेंक शार्ट पुलिस विद नंबर वन पिस्टन एट टी डी सी फिर क्या करना है शॉर्ट आउट ईच सिलेंडर वन बाय वन बाय रिमूविंग द इंडिविजुअल स्पार्कलर and note down the drop in engine rpm or engine speed all cylinders are checked in turn using the same procedure and readings of rpm are taken the drop in rpm should be same for each cylinder even a small drop in revolutions or rpm of one cylinder compared to the other shows the non uniform drop it indicates that Ignition system is not working properly the piston rings liners or walls are worn or petrol air mixture to the cylinder is incorrect the fluctuating or vibrating reading of the rpm test shows about the unequal compression pressure it indicates that there may be electrical or mechanical fault in ignition system the petrol air mixture is adjusted by moving the screw ऑफ़ कार्बोरेटर अंटिल द इंजन इज आइडलिंग स्मूदली द आर पी एम रीडिंग्स आर टेकन एट डिफरेंट स्पीड्स आर पी एम अप टू नाइन 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 जीरो नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी आर रेड ऑफ डायरेक्टली फॉर हायर स्पीड्स द सेलेक्टर इज मूव टू द लेफ्ट एंड मल्टीप्लाई द रीडिंग बाई टू तो इस तरह से जो है हम आर पी एम टेस्टर की मदद से ये चेक कर सकते हैं कि हमारे इंजन के अंदर इग्निशन के रिलेटेड पेट्रोल एयर मिक्सर के रिलेटेड सिलेंडर के पिस्टन रिंग्स के रिलेटेड वॉल्स के रिलेटेड क्या फॉल्ट है रीडिंग के हिसाब से हम जो है उसको देख सकते हैं तो ये था हमारा आज का तो ये था हमारा आज का टॉपिक आरपीएम टेस्टर और डिस्ट्रीब्यूटर Dwell angle tester. Thanks for watching.